क्या आप एटीएम कार्ड स्वैप करके खरीदी करते हैं? क्या आपने शहर में लगने वाले हैंडीक्राफ्ट सेल से खरीदी करके किसी की मदद करना चाहते हैं? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो होशियार हो जाइए, क्योंकि अब कहीं से भी एटीएम कार्ड स्वैप करके खरीदी करना खतरनाक हो गया। खंडवा में ऐसा ही मामला सामने आया, यहाँ एटीएम कार्ड क्लोन करके खाते से पैसा निकालने का मामला सामने आया। खंडवा पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले बदमाशों को गिरफ्त में लिया है। ये शातिर बदमाश हैंडलूम शेल की आड़ में ठगी का कारोबार करते थे। इन बदमाशों ने एटीएम का क्लोन बनाकर अब तक करोड़ों रुपए जमा कर लिए हैं। खंडवा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने बताया कि लंबे समय से एटीएम से पैसे निकाले जाने की शिकायत मिल रही थी। जब बारीकी से इस मामले की पड़ताल की तो पता चला कि आविद अंसारी और भोपाल का कार्तिकेय ने इस मामले के मास्टरमाइंड हैं। इन लोगों ने अगस्त में खंडवा में हैंडीक्राफ्ट सेल लगाई थी। कुछ लोगों ने एटीएम कार्ड से भुगतान किया था। कुछ समय बाद इनके एटीएम कार्ड से पैसे निकलने शुरू हो गए। खंडवा में ऐसे एक दर्जन मामले पुलिस के पास पहुंचे थे। हमने अगस्त में किया था परचेसिंग आनंद परिसर से एग्जीबिशन से, और जो हमारे साथ फ्रॉड हुआ वो 16 नवंबर को हुआ, रात में 11:40। साड़ियाँ खरीदी थी, चादरें खरीदी थी, टॉवल्स वगैरह खरीदे थे, ज्वेलरी खरीदी थी। करीब हमने 12,000 की शॉपिंग करी थी उसमें, और दो दिन तक करी थी। एक दिन पहले की थी, दूसरे दिन जो पहले दिन की वो कैश में की थी, और सेकेंड डे जो की थी उसमें कार्ड स्वैप किया था। 10,000 के दो बार 20,000 निकले हमारे। क्या सिस्टम पर? सीधे मैसेज आया हमको तो कि आपके इतने इतने पैसे निकल गए हैं, और मैंने रात पे मैसेज देखा तो सोचा कि हमने 15 तारीख को निकाल चुके थे इतनी राशि दो बार में 10,000, तो हमको लगा कि शायद यही मैसेज रिपीट हो रहा है रात में। फिर सुबह जब हमको सेंट्रल ऑफिस से कॉल आया कि आपका कार्ड मतलब आपका एटीएम से पैसा निकला है कि आपने निकाला, हमने कहा नहीं हमने नहीं निकाला। बोले आपका तो पैसा निकला है रात को दो बार 10,000 करके। तो फिर बोले कि आपका कार्ड ब्लॉक कर दे क्या? हमने कहा जी। फिर हमने प्रोसेस करी, फिर FIR दर्ज करवाई। अवित प्रदेश और देश के बाहर कई जगहों पर हैंडलूम की सेल लगाकर व्यापार करता था। यहाँ से सामान खरीदने वाले जब एटीएम से पेमेंट करते तो वह एटीएम स्कीमिंग डिवाइस से एटीएम को स्वैप कर उसका डाटा चुरा लेता था। वहीं कार्तिकेन इस डाटा को डिकोड कर नकली एटीएम बनाकर अलग अलग जगहों पर एटीएम मशीन से पैसे विड्रॉ करता था। इन शातिर लुटेरों ने एटीएम का क्लोन बनाकर अब तक करोड़ों रुपए का चूना लोगों को लगा चुके हैं। लूटे हुए पैसों से भोपाल में एक शॉपिंग मॉल, मकान और प्लॉट तक खरीद लिए। पुलिस ने इनके पास से 1,000 लोगों के क्लोन एटीएम, जर्द लैपटॉप और नगद राशि जब्त की। देखिए, हमने अभी खंडवा पुलिस ने एटीएम कार्ड का क्लोन बनाकर और उसके आधार पर उनसे बैंक ठगी करने का एक गिरोह गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने हमारे प्रदेश के लगभग 1 दर्जन शहरों में इन घटनाओं को अंजाम दिया, जहां पर ये लोग सेल लगाते थे डिफरेंट विभिन्न प्रकार के सामान की, और सेल लगाने के बाद उस सेल में जो लोग ख़रीदारी करने आते थे उनके कार्ड की गोपनीय जानकारियां अपने डिवाइस से अपने सॉफ्टवेयर में ले लेते थे, और उस जानकारी के आधार पर और पिन कोड के आधार पर ये लोग उनसे कैश निकालते थे उनके ATM से। जब बहुत सारे लोगों के साथ ये घटना घटित हुई तो हम पुलिस की जानकारी में आया, इसके ऊपर पुलिस काम कर रही थी। आज उस गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। 2 लोगों को अभी तक हमने हिरासत में लिया है। एक तो आबिद खान है, आबिद अंसारी है, भोपाल के रहने वाला है। कार्तिकेयन है, कार्तिकेयन वर्मा, ये भी भोपाल के रहने वाले हैं। और इन दोनों लोगों से हमने लगभग 100 ATM कार्ड्स जो नकली हैं, डुप्लीकेट ATM कार्ड्स जो क्लोन करके इन्होंने बनाए हैं, और 2 स्कीमर डिवाइसेस, लगभग 0.5 दर्जन लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन्स इनसे हमने रिकवर किए हैं। अभी तक की जानकारी में समझ में आया है कि लगभग 1,000 लोगों को ये लोग फ्रॉड का शिकार बना चुके थे। ये लोग दो बार आए हैं, 7 लोग अभी हमारे सामने बैठे हुए हैं। करीब 1 दर्जन वारदातें खंडवा में इन्होंने की हैं, जो लोगों की शिकायत हमको प्राप्त हुई है। करने का डर तो रहेगा, क्योंकि अब क्या है, हम इतनी सिक्योरिटी से अब हमारा पैसा हम घर में रखते हैं, है ना। देन अब अगर हम बैंक में रख रहे हैं एज अ सिक्योरिटी, तो अब सिक्योरिटी के बाद भी वहाँ भी पैसा निकल रहा है, तो अब हम ATM रखने में भी सोचेंगे और उसको यूज़ करने में भी सोचेंगे। हम मतलब बहुत सारी अब प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी हैं इन सब चीज़ों में, और
फर्स्ट मतलब एक चीज़ ये थी कि जब सेल लगी थी तो इस सेल में भी ये चीज़ें हो रही है, तो ये एक प्रश्न का विषय है क्योंकि खंडवा में ही हो रहा है और फिर जाके हम जब खरीदारी और एक्चुअली हैंडीक्राफ्ट है जब हमारे सेंटर जो है हम सब चीज़ों को प्रोत्साहन देते तो हम आगे जाके खरीदते हैं उनको और उसके बाद हमारे साथ ऐसा होता है, तो ये उन लोगों के लिए भी खतरा है जिन लोगों की हम लोग हेल्प करते कि हैंडीक्राफ्ट है हम उनको बढ़ावा देते हैं और अब हम जाके खरीदते हैं तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो ये इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी कि आप कहीं पर भी अगर आप कार्ड स्वैप करते हैं तो जहाँ अच्छी आपकी पहचान की दुकान हो, लोकल में हो, तो ही कार्ड स्वैप करें, अदरवाइज ना करें।